प्रदेश के बलिया जनपद से, जहां एसपी बलिया ने कार में शिथिलता बरतने को लेकर थाना प्रभारी समेत एक ही थाने के 7 पुलिसकर्मियों को लाइन हाजिर कर दिया। वही विभागीय जांच अपर पुलिस अधीक्षक को सौंपी, सभी पर गौ तस्करी में संलिप्तता का आरोप लगा है। थाना प्रभारी विपिन सिंह एसआई लाल बहादुर के साथ हेड कांस्टेबल आशीष यादव, संजय सिंह, रजनी सिंह, प्रभाकर यादव, सिपाही रत्नाकर यादव को लाइन हाजिर किया गया। एसपी विपिन ताड़ा की इस कार्रवाई से विभाग में हड़कंप मचा हुआ है। यह पूरा मामला सिकंदरपुर थाने का बताया जा रहा है। वही जनपद में तमंचे से फायर कर व तलवार से केक काटकर बर्थडे मनाने का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है, जिसमें नवयुवकों का समूह किसी एक युवक का जन्मदिन मनाता नजर आ रहा है। वायरल वीडियो में कार की छत पर चढ़कर एक युवक तलवार से केक काटता हुआ देखा जा रहा है। तो वह उसके साथी कट्टे से फायर कर जन्मदिन की खुशी जाहिर करते हुए दिखाई दे रहे। वायरल वीडियो के बारे में बताया जा रहा है कि उक्त वीडियो मनियर थाने के बड़की बारी गांव का है, जहां कुछ युवक तलवार से केक काट कर व कट्टे से फायर कर जन्मदिन की खुशी मनाते नजर आ रहे। साथ ही युवक हैप्पी बर्थडे गाते हुए भी देखे जा रहे हैं। वहीं वायरल वीडियो को संज्ञान लेते हुए एसपी बलिया के इस आदेश के क्रम में मनियर थाने की पुलिस ने 3 लोगों पर सुसंगत धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है। साथ ही कार पर चढ़कर केक काटने वाले कृष्णा यादव को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। वायरल वीडियो में देखी जा रही तलवार भी बरामद हो चुकी है। पुलिस अन्य आरोपियों की तलाश में जुट गई है। बलिया जनपद से आशीष सिंह बिसेन की रिपोर्ट। ऊपर में होटल शंकर जी हो बचा के ना तो हंसी में बखेड़ा हो जाए। चल बाबू शंकर देखा के सर तुम एक सोशल मीडिया पे एक वीडियो वायरल हुआ केक काटने का, सर ये पूरा मामला क्या है और कहाँ का ये वीडियो है? सर मनियर थाने का एक वीडियो वायरल हुआ है, जिसको आइडेंटिफाई किया गया है, तो ये ग्राम बड़की बारी है मनियर थाने के अंतर्गत, वहां का ये वीडियो बताया जा रहा है। इसमें एक लड़का जो केक काट रहा है उसका नाम कृष्णा यादव है, उसको गिरफ्तार किया गया है और तलवार भी बरामद की गई है। कृष्णा यादव का ही जन्मदिन मनाने की बात प्रकाश में आई है और फायर करने वाले लड़के को शंकर यादव के रूप में चिन्हित किया गया है और इसके साथ में एक लड़का जो वीडियो बना रहा था वो विनोद यादव है गंगापुर का। सर ये कितने लोगों पर मुकदमा दर्ज हुआ है सर? इसमें अभी फिलहाल 3 लोगों पर मुकदमा दर्ज किया गया है और पता किया जा रहा है, हो सकता है कुछ लोग और हो जो वीडियो में ना आए हो, तो जो भी इसमें संलिप्त है सबके खिलाफ इसमें कानूनी कार्रवाई की जाए। सर जिस असलहे का इस्तेमाल किया जा रहा है वो लाइसेंसी है या फिर अवैध? अभी असलहा बरामद नहीं हो सका है और बरामद होगा तो जानकारी होगी, प्रथम दृष्टया तो अवैध असलहा होती है। जी।